सरदार वल्लभ भाई पटेल खेतीवाड़ी से। हमने पहले देखा है कि सत्र एक खत्म हो चुका है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे सत्र टू की ओर, जिसमें आज से हम लेंगे धोरण आठ में विषय हिंदी और इकाई पहली। इकाई पहली में क्या है देखिए, इकाई पहली में है पत्र एवं डायरी। क्या है पत्र एवं डायरी? पहले तो हम यह जानेंगे कि पत्र किसे कहते हैं, और बाद में जानेंगे डायरी। पत्र, पत्र हम सबने देखा ही होगा, देखिए अगर नहीं देखा होगा आपने तो यहाँ है ये कार्ड है और ये पत्र में जो हम भिजवाते हुए पत्र है ऐसे दिखा देते हैं। पत्र यानी कि पहले के समय में तो राजा महाराजा अलग अलग तरीके से पत्र भेजते थे, जैसे कि बाज है और कोई पशु पक्षी के साथ जो भिजवाए जाते थे। आज के जमाने में क्या है इंटरनेट मोबाइल उनके द्वारा, लेकिन पहले पत्र में कहा जाता है कि यदि कुछ हो गया पसंद अच्छा या बुरा तो कई लोगों को पत्र एक दिन के बाद भी मिल जाता या पाँच दिन के बाद या दस दिन के बाद भी मिल जाता। वह पत्र में कई समय भी लग जाता था, किंतु पत्र अपना महत्व कभी कम नहीं हुआ। पत्र का महत्व आज भी उतना ही है कि पत्र की जरूरत हर जगह पर होती रहती। यहाँ पर देखते हैं हम कि पत्र, पत्र उस जमाने से है जो हमारे दादा परदादा के समय से पत्र अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं पत्र के कितने प्रकार है, देखिए जैसे कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पत्र हमें दिखाई देते हैं और कार्य करते हैं। देखिए पत्र में सहजता सरलता की भाषा का उपयोग किया जाता है, यह बहुत बड़ी ध्यान से रखने वाली बात है कि सरलता और सरलता उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है। देखो यहाँ पर हमने देखा है कि पत्र, पत्र ऐसे जैसे कि उदाहरण से हम देख लेते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को पत्र, यानी कि जन्मदिन वर्षगांठ होती है उसके दिन पर उस अवसर पर उपस्थित यानी आने के लिए रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र यानी निमंत्रण भेजा गया है, तुमको आना पड़ेगा मेरे जन्मदिन के पर। इसलिए यहाँ पर हमने पहले देखा है कि निमंत्रण पत्र लिखा है 90 भुजनगर सोसाइटी। इतना ध्यान रखिए कि पत्र लिखने से पहले उसको ध्यान में रखना होगा कि उनका जो एड्रेस है वो बाई होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि 90 भुजनगर सोसाइटी टिम्बाई सूरत, इनका पिन कोड नंबर है 394210 यानी 49 42 42 10 8 अगस्त 2011 यह एड्रेस है। उसके बाद क्या क्या ध्यान में रखने वाली बात है देखिए, तो उनको संबोधित किसे किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर उसको मित्र को लिखा है तो यहाँ पर लिखा है और उसके करीबी नीचे देखिए कि प्रिय मित्र स्नेहल, जहाँ पर आपका यह एड्रेस खत्म होता वहीं से नीचे से शुरुआत कीजिए, प्रिय मित्र स्नेहल सब फ्रेंड स्मरण यानी कि मित्र प्रिय, प्रिय यानी जो मित्र है जान से भी ज्यादा प्यारा, सब प्रेम यानी प्रेम से स्मरण यानी याद करता हूँ, स्मरण करना यानी याद करना। और देखिए प्रिय मित्र स्नेहल सब प्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। क्या है जन्मदिन? इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, छुट्टी के दिन ही क्या है मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज के दिन मेरा जन्मदिन है इसी मैं अपने मित्रों को बुलाना चाहता हूँ, आज निमंत्रण भेज रहा हूँ इनको, अपने मित्रों को आज सभी को मैं क्या करूँगा निमंत्रण भेजूंगा। तुम जानते हो कि सालगिरह दिन कितने आनंद का दिन होता है, जानते हो कि साल गिरह यानी वर्ष जो हम
जन्म उत्सव की उच्चारण करते दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन से हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे जी, जैसे बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। कहाँ पर? मेरे घर पर। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। यदि तुम इस अवसर पर नहीं आओगे तो हम सबको क्या लगेगा? बुरा। हम सबको बुरा लगेगा। देखिए, हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं कि तुम आओगे। हम उस दिन सारा समय कैसे आनंद में खुशी से बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन और जलसा, खेल आदि होगा। रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर जरूर तुम आओगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम जरूर आओगे। मेरे उत्साह आनंद को बढ़ाओगे। यहीं से ऊपर देखिए, पहले रात में तुम्हारे माता पिता को साधारण चरण स्पर्श, कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारे आगमन की यानी तुम्हारे आने की मैं क्या करूंगा? प्रतीक्षा यानी राह देखूंगा। तुम्हारा मित्र जो लेक्चर में यहाँ पर लिखा गया है, तुम्हारा मित्र जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा मित्र कौन है? साहिल शाह। ओके, यहाँ तक आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण से देखा कि जन्म दिन के अवसर पर पत्र कैसे लिखा, संबोधन कैसे किया जाता है। यदि कोई शिक्षक के लिए अर्जित करता है तो वो कैसे प्रिय यानी कि सब आदर और उनको मान देते हुए मान पत्र, जैसे कि उनका नाम होगा प्राध्यापक, प्राध्यापिका को संबोधित करते हुए हम कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे नंबर पर बधाई पत्र, किसी को बधाई के लिए पत्र लिखा जाता है। पहले निमंत्रण पत्र हमने देख लिया, यहाँ पर अभी दूसरा है बधाई पत्र, आगे है तीसरा आश्वासन। किसी को आश्वासन देने के हेतु पत्र जो लिखा जाता है उसे आश्वासन पत्र कहते हैं। अनुमति यानी किसी की परवानगी, अनुमति देनी हो या देनी हो तो अनुमति पत्र उसे कहते हैं। कार्यालय जो सरकारी काम काजों में, आज हमको पता है कि कई दफ्तर ऐसे हैं, कई सरकारी कार्यालय है जहाँ कागज के बिना यानी पत्र के बिना कोई भी कार्य होता नहीं है। आज भी पत्र का उतना ही महत्व है। और कहा जाता है कि बिना खर्चे का, अभी इंटरनेट और सुविधा सब है आधुनिक अद्भुत नाम है, किंतु पत्र का अपना खुद का एक महत्व हो उसका आज भी महत्व उतना ही है। उसके बाद कार्यालय यानी कि कार्यालय में पत्र के द्वारा कई प्रकार के कार्य होते हैं। फिर है प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र और उसके बाद व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पत्र के द्वारा सूचित करता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, किंतु उसका सही ठिकाना तारीख सॉरी होना चाहिए। उसी प्रकार से हम इस पत्र को देख सकते हैं और आगे देखते हैं। ये पत्र की तो जानकारी हो गई, किंतु एवं डायरी, ये डायरी क्या है आपको दिमाग में होगा कि डायरी क्या है? तो देखिए, डायरी शब्द आते ही आपके मन में आपको पता चल जाएगा कि डायरी यानी कि कोई भी व्यक्ति, सपोज समझ लीजिए कि वो अपने बॉडीगार्ड फिल्म में देखा है, उसमें बॉडीगार्ड में सलमान खान ने जो डायरी में लिखा हुआ था कि दिन भर की, दिन से रात तक सोने तक की जो भी कार्य करता है वह व्यक्ति अपना अच्छा या बुरा जो भी लिखता है उसकी दिनचर्या में उसे डायरी कहते हैं। डायरी यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी व्यक्ति कोई भी लिखता है, ऐसा उसके मैं लिखता हूँ तो दिन सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या कार्य किया, अच्छा किया, बुरा किया, वह लिखी जाती है। पहली बात उसमें क्रमबद्धता होती है, जैसे कि दिनांक, वार और संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, सरलता वाक्यों में क्या होती है? सरलता, जो कोई भी आदमी पढ़ सके तो उसको सरल से पता चल जाए कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था। जैसे कि अगर कोई मेरे बारे में जानने की कोशिश करे, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी डायरी शायद उनको मिल गई
वजह से उनको पता चल जाएगा कि मेरा मैं दिन भर और पूरा क्या करता था और मेरा नेचर कैसा था। अगर एवरीबॉडी तो पत्र एवं डायरी में अलग अलग फर्क है। पत्र जो है संक्षेप में होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं, इतने में ही सब कुछ आ जाना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। और डायरी में पूरे दिन की दिनचर्या दैनिक उसको नाम भी कहा गया है। दैनिक यानी जो दैनिक है वो साप्ताहिक भी होता है, मासिक भी होता है और मंथली भी होता है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से डायरी लिखते हैं। डायरी की स्पष्टता से ही पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता। थैंक यू। यहाँ तक हिंदी विषय कक्षा 8 में हम दूसरा पत्र देखेंगे जिसका नाम है, पहला मैं देख लिया निमंत्रण पत्र जैसे भेजा था, अब दूसरा पत्र है यहाँ पर आश्वासन पत्र। क्या है आश्वासन? आश्वासन किसे कहते हैं? ये पहला प्रश्न है कि आश्वासन किसे कहते हैं। यदि कोई परीक्षा में आप फेल हो गए या कोई भी कार्य में आप फेल हो गए तो आपको कोई आश्वासन देता है। आश्वासन देना यानी आपको कोई कहता है, आपकी कोई सपोर्ट करता है कि आश्वासन देता है कि कोई बात नहीं, हो गया सो गया, अब आगे क्या करना है, उसे क्या कहते हैं आश्वासन पत्र। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कौन किसको आश्वासन पत्र भेज रहा है। आश्वासन पत्र कौन किसको भेज रहा है यहाँ पर देखा गया कि किसके लिए विषय में, तो खेल महाकुंभ में यहाँ पर लिखा गया देखिए कि खेल महाकुंभ में यानी कि जो खेल रमत गमत जगत में जो खेल महाकुंभ है उसमें असफल, सफल का विलोम शब्द असफल, असफल यानी कि असफल किसे कहेंगे जो सफल नहीं हुआ। जैसे कि बहुत अच्छी मेहनत की लेकिन आप सफल नहीं हुए, पास नहीं हुए लेकिन जितने परसेंटेज हमें चाहिए था उतना नहीं मिला, तो यहाँ पर खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर यानी कि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, खेल महाकुंभ में प्रदर्शन कैसा रहा बुरा रहा, इसलिए सभी को आश्वासन पत्र भेजा है कि तुम महाकुंभ के खेल में रहे थे उसमें तुम असफल रहे, उसके द्वारा उस विषय पर सभी को आश्वासन पत्र भेजा गया। देखिए यहाँ पर कि कहाँ मातृछाया स्टेशन रोड, मातृछाया स्टेशन रोड कालोपुर कहाँ पर अहमदाबाद 17 नवंबर 2011 यहाँ पर संबोधित किया गया है कि प्रिय सखी जागृति, क्या कहते हैं प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, सप्रेम यानी दिल से सप्रेम स्मृति यानी तुमको याद करती हूँ। आज तुम्हारे पिताजी से फोन पर पता चला, क्या कहती है कि आज देखिए ध्यान रखें रखिए कि पत्र लिखे लेफ्ट साइड पर उसका ठिकाना और यहीं से प्रिय सखी को संबोधित करते हुए उसी को उसी से उसी क्रम में आज तुम्हारे पिता से फोन पर पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र प्रतियोगिता में चक्र भेद प्रतियोगिता यानी कि जो चक्र भेद जो रमत है उस प्रतियोगिता यानी स्पर्धा में असफल हुई हो। कैसे पता चला? तो उनके पिताजी से फोन पर बात पर पता चला कि चक्र भेद महाकुंभ में जो खेल महाकुंभ में उनमें चक्र भेद प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ, यह समाचार यानी यह बात मैंने जानी तुम्हारे पिता से तो मुझे क्या हुआ बहुत दुख हुआ। दुख का विलोम शब्द सुख, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में यानी इस स्पर्धा में प्रतियोगिता में यानी स्पर्धा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। प्रदर्शन यानी जो भी तुमने खेल में अपना भाग लिया था उसमें तुम्हारा प्रदर्शन यानी जो करना था वो अच्छी तरीके से नहीं खेला आपने। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी है कि हमने तुमसे बहुत आशा यानी बहुत भरोसा था तुम पर कि तुम यह खेल महाकुंभ में जीत कर आओगी। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। क्या कहती है यहाँ पर कि तुमसे बहुत बड़ी हमारी यह आशा थी कि जिले में पूरे जिले में तुम क्या आओगी प्रथम यानी अव्वल, अव्वल यानी
तुम आओगी। लेकिन देखिए प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। क्या कहती है कि प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, कि केवल जीत ही। कहा जाता है कि असफलता भी सफलता की चाबी है। गुजराती में आप कहिए निष्फलता एक सफलता की सूच है, चाबी है। अरे एनर्जी मतलब होगा हमारा बोध मणि जाइए, उससे हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है। कि कहा है कि प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो कुछ होने वाला था सो हो गया, जो होने वाला था वो क्या हो गया है। इसीलिए उसका शोक यानी दुख, शोक मनाना यानी दुख मनाना, इसीलिए कहती हूँ कि उसका शोक न करना चाहिए, उसका मन में दुख नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है वो हो गया है, और इसी असफलता से निराशा भी न होना चाहिए। जो असफलता मिले उससे तुम्हें निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है, असफलता भी सफलता का क्या है, सोपान। सोपान यानी निष्फलता मिलती है जब भी हमें उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। अगर आप परीक्षा में देखने लायक परसेंटेज नहीं मिले, आपने जैसे सोचे थे उतने, तो आपको ज्यादा उससे आपको पता चलता है असफलता मिले तो आप ज्यादा ध्यान दोगे और ज्यादा पढ़ाई करोगे, तभी उसका वो सोपान है। क्या आपको एक सबक मिलता है सोपान यानी सफलता उन्हीं के चरण चुनती है। तो क्या कहते हैं कि सफलता यानी जो भी सफल व्यक्ति है, जैसे कि हम ले लेते हैं धीरूभाई अंबानी, देख लीजिए पहले कहा करते थे कि वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते, लेकिन हम लोग सोचते उनकी जगह पे तो हम क्या कहते कि यदि इस पेट्रोल पंप का मालिक मैं होता, यानी कि मेरे पास पेट्रोल पंप का मालिक मैं होता, एक घर खरीदता, एक गाड़ी लेता, एक मकान बनाता, है कि नहीं। किंतु उन्होंने कुछ ऊंचा सोचा, उन्होंने क्या सोचा, ऊंचा सोचा, इसीलिए आज वो कहां पर है। ऐसे कई लोग हैं जो असफलता के बाद सफल हुए, क्योंकि उस पर ज्यादा ध्यान दिया और मेहनत की है। यहां पर भी कि सफलता उन्हीं के चरण चुनती है, उन्हीं के चरण चुनती जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहे। सफलता उन्हीं के चरण चुनती, यानी वही सफल व्यक्ति होता है, वही आगे जाता है जो अपने ध्येय प्राप्ति यानी अपने लक्ष्य को लेकर कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कोई भी आपको जो भी बनना है, लेकिन उसके लिए तो आपको ध्येय प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर, वही मार्ग पर आपको क्या रहना है, डटे रहना है। और निराशा या हतोत्साह, अब क्या कहते हैं निराशा यानी हतोत्साह, तुम्हें दुख करने की कोई जरूरत नहीं है, अब होने से कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें दुख होगा तो भी अब उसका कोई फायदा नहीं। क्या कि पानी बह गया है, जब चूक गई चिड़िया खेत, है ना वो कहावत, तो फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुगने उत्साह से यानी दो गुने, मैं चाहती हूँ कि तुम दुगने यानी दो गुना उत्साह यानी हिम्मत, उत्साह यानी खुशी से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। अभ्यास करो यानी उसी विषय पर, खेल महाकुंभ में चक्र फेंकने, उसी विषय पर तुम दूसरी बार उतना उत्साह से मेहनत करोगी तो अगले साल यानी आने वाला साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। और तुम अपने जिले में ही नहीं, केवल अपने जिले में ही नहीं किंतु गुजरात में पठामा होगी। क्या कह रही हूँ, जिले में ही नहीं किंतु गुजरात में प्रथम यानी अवर आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी, मुझे यह भरोसा है, मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी, मुझे विश्वास है कि मैं जो तुम्हें कहना चाहती हूँ तुम मेरी बात मानोगी, और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। और उसी तरह से फिर से अपने अभ्यास में मनोयोग से यानी दिमाग से, मुझे यही करना है, मुझे यही बनना है, मुझे यह आगर तक जाना है, अपने ध्येय को लेकर, ध्येय प्राप्ति को लेकर तुम मनोयोग से लग जाओगी, यह मुझे आशा है। तुम्हारी सखी अवनी, देखा आपने यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मुझे भरोसा है कि तुम आगे बढ़ोगी, लेकिन मनोज्ञान मनोयोग से तुम्हें इससे वही मेहनत करनी होगी, वो मुझे
लिया कि पता कैसे लिखा है। अब हम चलते हैं तीसरे पत्र की ओर जो है जिसका नाम कार्यालय पत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय पत्र। मैंने पहले भी आपको कहा है कि पत्र ने अपना महत्व कम नहीं किया, आज भी इतना ही महत्व है। कार्यालय के सरकारी दफ्तर और सरकारी काम कागजों में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आज भी पत्र के द्वारा ही कार्य होते हैं। कोई भी संस्था हो लेकिन पत्र अपना महत्व पत्र के द्वारा ही जो काम होता है वह आधुनिक युग में जो भी यंत्र है उससे नहीं हो सकता, क्योंकि अपना महत्व पत्र का एक अलग है। देखिए यहाँ पर कि कार्यालय पत्र, यहाँ पर कार्यालय में पत्र क्यों भेजा गया। अब देखिए स्वास्थ्य अधिकारी यानी हमारे आजू बाजू में जो नगर पालिका वाले आते हैं जो कचरा लेने के लिए, और अगर गंदा है हमारे घर के आजू बाजू में कुछ स्वच्छता नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत होता, गंदगी के बारे में अगर होता कहीं आपके घर के आसपास तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस पत्र को कि गंदगी के बारे में शिकायत करना, यानी उसका भेद खोलना, शिकायत करना कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, आप यहाँ से उसे साफ कर दीजिए। ये कैसे लिखते हैं तो उन्होंने तारीख लगाई 20 मई 2011। कहा गया उनको कैसे संबोधित किया गया, देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग संबोधन मिलेगा आपको कि कौन सी कार्यालय में कौन सा संबोधन करना है आपको। तो यहाँ पर संबोधित किया गया है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, सेवा में आप हमारी सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय यानी व्यक्ति महानगर पालिका बड़ौदा। यहाँ पर महानगर पालिका को इसने शिकायत पत्र भेजा है, यहीं से शुरू होता है पत्र। देखिए मान्यवर सर यह निवेदन है कि मैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति होगा उसने लिखा है कि सर इन्हें निवेदन है यानी विनती है आपसे, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मैं गायत्री मूल्य में रहता हूँ, मूल्य यानी अपना गुजराती में कहिए कि भाई हमारे शरीर से के मोल्लो से, तो यहाँ पर मैं गायत्री मूल्य में रहता हूँ, यह मुल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा, जिस मूल्य में मैं रहता हूँ यानी जिस जगह पर मैं रहता हूँ यह पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा। आजकल शादी का मौसम है, आपको पता ही है आजकल तो शादी का मौसम वैसे भी चल रहा है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। देखिए आपने देखा होगा कि यह जहाँ अपनी शादी होती है उसके सामने कुछ कूड़ा डालने की डस्टबिन होता है, उसमें शादी वाले के दिन के उसके बाद वह जो भी अनाज होता है वो उसमें डाला जाता है। यहाँ पर वो बताया गया है कि आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, वो जैसे जैसे गंदगी यानी रास्ते पर बैठ कर चले जाते हैं, पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन, कूड़ेदान यानी जिसमें कचरा डाला जाता है वह डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं, डस्टबिन में जूठन यानी जो भी बचा कुचा होता है बिगड़ा हुआ या अच्छा कोई भी तो उसमें डालकर चले जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो रहा है, बदबू यानी खुशबू का विलोम शब्द क्या होगा, बदबू उसके कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी क्या हो गया है, मुश्किल हो गया, इतनी बदबू आ रही है। देखिए आप पार्टी वाले लोग यहाँ मेरे जो होते हैं वहीं पर उनके सामने जो डस्टबिन होगा उनमें जो भी अन्न बचता है वह उस कूड़े यानी डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मूल्य में कहते हैं वहीं पर डस्टबिन में इन लोगों ने डाला है। उसकी बात की गई है कि वहां से आने जाने की क्या हो रहा है, हमारा मुश्किल हो रहा है, आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं, यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो, ये तो क्या कहते हैं, यदि इस गंदगी को शीघ्र यानी तुरंत न हटाया गया तो मूल्य भर में यानी पूरे
फैल जाएगी, उसका क्या है डर रहता है। बीमारी सारे कोरोना फैल जाएगी, उसका डर है, आशा है कि शीघ्र ही हट पाएगी, व्यवस्था करेंगे। मुझे आशा है कि आप शीघ्र यानी तुरंत ही इसे हटवाने की क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। कौन लिखता है तो आपका भी नम्र सेवक सुरेश भाई एम परमा गायत्री मुल्ला। ओके okay?